सुप्रभास की मोस्ट अवेटेड मूवी सलार जो रिलीज हो रही है 22 दिसंबर 2023 को। इस मूवी को लेके काफी सारी एक्साइटमेंट है फैंस में। केजीएफ यूनिवर्स से कनेक्शन और ऊपर से उसमें सुपरस्टार प्रभास, ये दो नाम ही काफी है इस मूवी की हाइप बढ़ाने के लिए। ऐसे में फैंस काफी इंतजार में है कि टाइम टू टाइम मेकर्स की तरफ से कुछ न कुछ रिवील किया जाए, खास करके इसमें प्रभास का कैरेक्टर कैसा होगा इसके बारे में कोई हिंट दिया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेकर्स की तरफ से अब तक ऐसा कुछ भी खास रिवील नहीं किया गया है सलार के बारे में। लेकिन अब फैंस के लिए गुड न्यूज ये है कि सलार की एक नहीं बल्कि दो दो ऑफिशियल अपडेट सामने आई है। एक है सलार के ट्रेलर को लेके और दूसरा है इसके आइटम सॉन्ग को लेकर। तो चलिए अब इन दोनों के बारे में डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। लेट्स चेक इट आउट। रिलीज हो रही है, कुछ ज्यादा वक्त बाकी नहीं रह गया है इस मूवी की रिलीज को लेकर। लेकिन अब तक मेकर्स की तरफ से कुछ खास ऐसा रिवील नहीं हुआ है सलार को लेकर। ऐसे में सुनने में ये आ रहा था कि मेकर्स प्रभास के यूरोप से भारत लौटने का इंतजार कर रहे थे और उसके बाद ही सलार का जोरों शोरों से प्रमोशन शुरू हो जाएगा, ये बातें सामने आ रही थी। और अब इन बातों का असर दिख भी रहा है। दो दिन पहले ही प्रभास लौटे हैं भारत और उसके बाद से ही सलार के मेकर्स की तरफ से ऑफिशियल अपडेट्स आना शुरू हो गई है। सो बेसिकली दो अपडेट सामने आई है, एक है सलार के ट्रेलर को लेकर और दूसरा इसके आइटम सॉन्ग को लेकर। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके आइटम सॉन्ग के बारे में। सो आइटम सॉन्ग को लेकर कौन से एक्ट्रेस को कंफर्म किया गया है ये सबसे बड़ा सवाल था, तो अब उसका जवाब मिल गया है। जी हाँ, मेकर्स ने गदर 2 की हीरोइन अमृत कौर को चुना है सलार के आइटम सॉन्ग के लिए। जी हाँ, अमृत कौर ने खुद ने कल अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी डालकर इस बात की कंफर्मेशन दी है। गदर 2 में चल तेरे इश्क में गाने को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से निभाया था, तो इस गाने को लेकर भी उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। लेकिन ये गाना हमें दिवाली पर देखने को मिलेगा ये उम्मीद मत रखना, क्योंकि अभी तो इस सॉन्ग की शूटिंग शुरू हुई है। अब बात करते हैं सलार के मोस्ट अवेटेड ट्रेलर के बारे में। तो कल सलार के एक ऑफिशियल अकाउंट सलार द सागा की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया है जिसमें लिखा गया है ट्रेलर अनाउंसमेंट सून। सो फैंस जिस चीज का इंतजार कर रहे थे फाइनली ये इंतजार खत्म हुआ। बहुत ही जल्द हमें सलार का ट्रेलर देखने को मिलेगा। लेकिन ट्रेलर को लेकर भी ये उम्मीद मत रखना कि ये ट्रेलर हमें दिवाली पर देखने को मिलेगा। ये ट्रेलर आएगा 1 दिसंबर को, जिसको रणबीर कपूर की मूवी एनिमल के साथ थिएटर्स में अटैच किया जाएगा। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन ये मत समझना कि YouTube पर ये ट्रेलर रिवील नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया का जमाना है और मेकर्स इसका इस्तेमाल करना अच्छी तरीके से जानते हैं, तो YouTube पर भी इस ट्रेलर को जरूर रिवील किया जाएगा। थैंक यू। तो अब सवाल ये है कि सलार को लेकर जो दिवाली पर ये उम्मीदें थी कि कुछ न कुछ बड़ा धमाका होने वाला है, तो उसका क्या? तो दिवाली पर ऐसा खास कुछ रिवील नहीं होगा। हो सकता है कि एक पोस्टर रिवील हो जहां पर प्रभास का एक नया अवतार हमें देखने को मिले, और इसके साथ साथ इस पोस्टर में ट्रेलर किस टाइम पर रिवील किया जाएगा इसके बारे में डिटेल दी जाएगी। सो बेसिकली बात ये है कि आज से लेकर 1 दिसंबर तक सलार के मेकर्स की तरफ से कुछ भी नया निकल के सामने आएगा या फिर दिवाली पर कोई बड़ा धमाका होगा ये उम्मीद मत रखना। वैसे एक तरफ से देखो तो ये ठीक ही है, क्योंकि हमने केजीएफ के टाइम पर भी देखा था कि मूवी रिलीज होने के 20-25 दिन पहले ही सब कुछ एक एक करके रिवील किया गया था, और केजीएफ का एक सॉन्ग तो मूवी रिलीज होने के ठीक अगले दिन रिवील किया गया था। तो हो सकता है सलार को लेकर भी मेकर्स यही पैटर्न अपनाए, मूवी की रिलीज होने के 20-25 दिन पहले ही सब कुछ रिवील करे। सो तैयार हो जाइए 1 दिसंबर को डायनासोर की एंट्री के लिए। दिसंबर के पहले ही दिन आने वाला है सलार का सैलाब। सो आप कितने एक्साइटेड है सलार के ट्रेलर को लेकर, और जो अमृत कौर को चुना गया है सलार के आइटम सॉन्ग को लेकर, इसमें आपकी क्या राय है? ये एक्ट्रेस बेस्ट चॉइस है या फिर आपके मन में कोई और भी एक्ट्रेस का नाम है जो इससे भी अच्छा इस गाने को निभा सकती थी? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।